नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी ने आज मुझसे बातचीत करते हुए बहुत रोचक, बहुत मजेदार चीजें कही। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है, कांग्रेस को भी एक अमित शाह चाहिए। डीके शिवकुमार छोटे अमित शाह हैं, लेकिन अपने राज्य तक सीमित हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में अब कांग्रेस को एक रणनीति बनाने के लिए एक अमित शाह को तलाश नहीं होगा। प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता है, पार्लियामेंट में आ गई है, सीन बदलेगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने बहुत अजब गजब आंकड़े दिए हैं। बहुत सारी बातचीत है, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी सीने का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, मैं कई बार 4PM म्यूजिक का जिक्र कर चुका हूँ। 4PM म्यूजिक पे मैं फिर एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कहेंगे, ईश्वर को शुक्रिया कहेंगे कि ईश्वर ने आपको जो जिंदगी दी है वो बहुत खूबसूरत है। ये उसका थंबनेल देख रहे हैं। समद एक नौजवान है, इनकी कहानी 4PM म्यूजिक पे है, इसको सुनिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। समद को आप ऐसी प्रोत्साहन दे सकते हैं, मेरे अनुरोध पे वो समद की ये पूरी कहानी, शशि भूषण समद की पूरी कहानी सुनिएगा, देखिएगा हिम्मत किसे कहते हैं, जीवटता किसे कहते हैं। 4PM म्यूजिक को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, किसी ने नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में ये होगा और झारखंड में भी यही होगा। महाराष्ट्र में सुपर फास्ट ट्रेन की तरह से रिजल्ट आया और झारखंड में भी हेमंत सोरेन का जलवा रहा। मैं बिना किसी और डिटेल्स के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन नतीजों पे आपके क्या राय है। देखिए, ये नतीजे दो बातें साबित करते हैं कि देश में चुनाव जीतने का एक मॉडल बन गया है। जो लोग उस मॉडल को होशियारी से, चालाकी से और सक्षमता के साथ लागू कर पाते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, और जो लोग इसको लागू करने में गलतियां करते हैं वो चुनाव हारते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा सब कई चुनावों का अगर आप विश्लेषण करें तो आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल तीन बातों पर आधारित है। पहली बात तो ये है कि आपको चुनाव लड़ते समय सरकार में होना चाहिए, क्योंकि सरकार में होंगे तभी आप लोगों को रेवड़ी बांट पाएंगे। विपक्ष में होंगे तो आप आश्वासन देंगे, सरकार में होंगे तो लोगों के हाथ में पैसा रख देंगे आप, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। अगस्त में उन्होंने माझी लाड़की बहन योजना लागू की। अब देखिए, लाड़की क्या, 1,500 रुपये महीने देंगे वो एक महिला को, यही तो है ना। 1,500 रुपये महीने का मतलब क्या हुआ? 50 रुपये रोज, तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन देश में गरीबी बहुत है। बड़ी रकम क्या, मामूली रकम है, टुकड़ा है एक, मतलब ये रोटी रोटी एक रोटी भी नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा है। और उन्होंने चुनाव आयोग की मदद से, चुनाव आयोग पक्षपाती है अपना, चुनाव आयोग की मदद से उन्होंने चुनाव को पीछे खींचा ताकि लोगों के हाथ में चुनाव होते होते अगर सितंबर अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर और बीच में एक दिवाली बोनस करके तीन किस्तें लोगों के हाथ में पहुंच जाए। 94,000 परिवारों को उन्होंने लड़की बहन योजना के तहत पैसा पहुंचाया तीन बार। 94,000 लोगों को पहुंचाया, समझ लो 94,000 परिवारों को पहुंचाया। इससे उनके पक्ष में माहौल बना, जनता की हमदर्दी उमड़ी। एक और बात साहब, जब योजना नई होती है तो जब जो पैसा दे रहा है उसके प्रति व्यक्ति ज्यादा कृतज्ञ होता है, कि नई आमदनी शुरू होती है। योजना पुरानी हो जाती है, कृतज्ञता समाप्त हो जाती है, फिर वो वोट नहीं मिलते उसके बदले। जैसे वो उज्ज्वला योजना के बदले भाजपा को वोट नहीं मिलता, शौचालय बनवाने के बदले भाजपा को वोट नहीं मिलता, ये सब चीजों के बदले वोट नहीं मिलता भाजपा को। नई योजना है उसके तहत वोट भाजपा को। यही आप झारखंड में आप देखिए, झारखंड में भी अगस्त में ही हेमंत सोरेन ने मैया योजना लागू की, मैया सम्मान योजना लागू की। वो क्या दे रहे हैं? 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 33 रुपये 33 पैसे दे रहे हैं एक दिन के। उनको भी वही लाभ होता हुआ दिखाई पड़ता है जो लाभ यहां होते हुए दिखाई पड़ता है। तो एक तो ये है कि नहीं, आप सत्ता में हो और ताकि आप रेवड़ी बांट सके, नई नई रेवड़ी बांटे आप। रेवड़ी शब्द बड़ा उपयुक्त है, इसलिए उपयुक्त है कि रेवड़ी से पेट किसी का नहीं भरता, लेकिन मजा आ जाता है थोड़ी देर के लिए। मोदी जी ने बहुत पुरानी बात कही है, कोई नई बात नहीं, पहले भी खाया था रेवड़ियां बांटना, सिन्नी बांटना। हम लोग जिस इलाके गए वहां सिन्नी बांटना कहते हैं, रेवड़ियां बांटना है सिन्नी बांटना कहते हैं। अच्छा, ये एक तो ये है। दूसरा क्या है, एक आप ऐसा नारा दें जिससे आपका जनाधार जो है वो आपके पक्ष में उत्तेजित हो जाए, जोश में आ जाए। बटोगे तो कटोगे, हाँ, महाराष्ट्र में वो नारा भाजपा का कामयाब हुआ, बटोगे तो कटोगे वाला। झारखंड में वो नारा
हेमंत सोरेन का कामयाब हुआ कि बीजेपी वाले आदिवासियों को मारते हैं, वहां भाजपा का नारा फ्लॉप हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता में भी थे और उन्होंने रेवड़ी भी दी, भाजपा ने केवल आश्वासन दिया, उनके आश्वासन पे किसी ने विश्वास नहीं किया। और जो हेमंत सोरेन का जनाधार था आदिवासी वाला, उसको उन्होंने उत्तेजित कर दिया, अपने पक्ष में गोलबंद कर लिया बड़े पैमाने पर। तीसरा है, आप माइक्रो मैनेजमेंट कीजिए और बड़े पैमाने पर पैसा झोंकिए। महाराष्ट्र में हम जानते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए बड़े पैमाने पर झोंके गए, करीब 750 करोड़ रुपए तो शायद पकड़े ही गए हैं, मतलब जो है वो ज्यादातर उसमें पैसे भाजपा के और उद्धव शिवसेना के लोगों के पास पकड़े गए। इधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट किया और मेरे ख्याल से उनके पास भी कोई संसाधनों की कमी नहीं थी किसी भी तरह की, वो पूरी तरह संसाधनों से लैस थे और उन्होंने जम के चुनाव लड़ा। मैं ये समझता हूं कि अच्छा ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है इसमें 100% हर वक्त दो धन दो बराबर चार की तरह से कामयाब हो जाएगा, आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको कस्टम मेड टेलर मेड करना पड़ता है उस फार्मूले को। ठीक बात। वहीं आप देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो महाविकास आघाड़ी है, जो आगे था महायुति से, वो उसने बहुत बड़ी गलती ये की कि लोकसभा चुनाव की जो रणनीति थी उसको सोचा कि ऐसे ही कि ऐसा कि विधानसभा में कामयाब हो जाएगी। उसी तरीके संविधान सम्मेलन किए गए, उसी तरह संविधान दिखाया गया, उसी तरह जाति जनगणना की बात की गई, राज्य की जरूरत के मुताबिक उसको बदला नहीं उन्होंने। दूसरी उन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपए देंगे, ये 1,500 रुपए दे रहे हैं, हम 3,000 रुपए देंगे, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि वो सरकार में नहीं थे, लोगों के हाथ में दे नहीं सकते थे वो। ये है, मतलब मैं मोटे तौर पर देखने पर आज की तारीख में ये समझ में आ रहा, धीरे धीरे बात और भी ज्यादा बात समझ में आएगी। तो ये मॉडल है, आप दूसरी जगहों पर भी इस मॉडल को देख सकते हैं इसी तरीके से कामयाब होते हुए। हाँ, अगर सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो ये मॉडल नाकाम भी हो जाता है। कर्नाटक में नहीं चला मॉडल, तेलंगाना में नहीं चला ये मॉडल। ये मॉडल ऐसा भी होता है कि नहीं चलता है मॉडल, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका विरोध नहीं है, जमीन में से आग लगता नहीं निकल रही है आपके खिलाफ, तो हो सकता है ये मॉडल कामयाब हो जाए। देखो ठीक कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये आएगा कि महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का? इसमें बहुत पंगा होगा, देखिए इसमें बहुत पंगा होगा। इसलिए पंगा होगा कि आप एकनाथ शिंदे ने तो एक तो एकनाथ शिंदे ने पूरी जो चुनावी मुहिम चलाई है हर जगह उन्होंने कहा है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जितनी रैलियां की थी वो खुलकर कह रहे थे इस बात को लगातार। ये कहना उनके लिए जरूरी था, बनता उनका कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ देता। अगर वो खुद ही इस बात को नहीं कहते तो उनका कार्यकर्ता क्यों उनका साथ देता? तो उन्होंने खुल के इस बात को कहा। अब जैसे ही चुनावी परिणाम आए तो उन्होंने जो बधाई दी अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को वगैरह, सब जो उनकी कृतज्ञता व्यक्त की, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल साफ, मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम भी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके ज्यादा विधायक होते हैं उसका मुख्यमंत्री होता है। और उनके प्रवक्ता ने साफ किया अगर यही नियम होता तो अभी भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, भाजपा के तो 105 विधायक थे, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं था? 2.5 साल से मुख्यमंत्री तो कम विधायक वाला था। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये श्री एकनाथ शिंदे राव के नेतृत्व में, एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। अब सर्वे पे आइए आप, जो एक्सिस माई इंडिया ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उसमें 30% रेटिंग जो है वो शिंदे की आई, फडणवीस की रेटिंग उससे पीछे थी। तो शिंदे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब शिंदे की दिक्कत यह है कि भाजपा के पास सीटें आ गई हैं, बहुत भाजपा के पास 133-135 सीटें आ गई हैं, 90% उसका स्ट्राइक रेट है, तो भाजपा को मुख्यमंत्री बनने से रोकना थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। वो तभी रोक सकते हैं जबकि एक तो अजित पवार बहुत मजबूती के साथ दें उनका, दूसरे इधर उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं वो सब कूद के इधर चले आए पूरे के पूरे, मतलब कुछ इस तरह का हो, कुछ असाधारण किस्म का घटित हो, तभी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद वो छीन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर झंझट बहुत होगा। क्या लग रहा है 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर सब कुछ फैसला होना है?
मेरा मानना यह है कि भाजपा मुख्यमंत्री बना लेगी, क्योंकि भाजपा इतनी ताकतवर पार्टी हो गई है, उसे तो केवल 10-11 विधायक चाहिए अपनी अकेले बहुमत प्राप्त करने के लिए। फिर से उद्धव ठाकरे के विधायकों में इधर आ जाएंगे, नहीं अभी निर्दलीय जीते हैं वो आ जाएंगे, और इनके ही शिंदे की पार्टी में और पवार की पार्टी में भाजपा के लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनमें से कई जीते होंगे, अभी पता नहीं है। वो लोग जब वो शायना एनसी तो हार गई अपना चुनाव, वो 28,000 वोटों से पीछे चल रही थी, वो भी एक इसी तरह की उम्मीदवार थी, लेकिन बाकी लोग तो आ जाएंगे। तो भाजपा जो है काफी मजबूत स्थिति में है, उसके लिए 144-145 विधायकों की जुगाड़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल नहीं काफी सरल है, एक घंटे में कर लेंगे जुगाड़ इसकी। हाँ ठीक बात है। दूसरी बात एक चीज और है ना, जब पवार को लिया गया तो शिंदे नहीं चाहते थे कि पवार सरकार में है, आपस में संबंध भी अच्छे नहीं बताए जाते हैं, शिंदे मना करेंगे तो पवार सपोर्ट कर देंगे अब तो आके बीजेपी को, उनको बिल्कुल बिल्कुल। पवार के और देखिए पवार खिलाफ बहुत मुकदमे हैं अभी भी, पवार का हाथ जो है मुकदमों के नीचे दबा हुआ है, भाजपा कंट्रोल में है पूरी तरह। भाजपा अगर किसी के शिकंजे में पवार हो सकते हैं तो वो बीजेपी के शिकंजे में हो सकते हैं, अमित शाह के शिकंजे में होंगे, फिर दोबारा डिप्टी सीएम बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, और ये ठंडन गोपाल रह जाएंगे शिंदे साहब अगर उन्होंने विरोध किया जाता तो। इसमें भाजपा की ही सरकार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के मुख्यमंत्री की सरकार बननी तकरीबन तय लग रही है मुझे। लेकिन शिंदे साहब थोड़ा हंगामा करेंगे लेकिन उनको चुप करा दिया जाएगा, अपना थोड़ा वजन भारी करेंगे। वो हंगामा करने से उनको सौदेबाजी में मौका, सौदेबाजी होगी कि भाई हंगामा करेंगे तो उप मुख्यमंत्री पद तय हो गया, फिर साथ में गृह मंत्री बना दो हमें, ये वित्त मंत्री पद दे दो, ये सब बातें होंगी। सही बात है, लेकिन शिंदे भी तुरफ का पत्ता निकले, किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिंदे इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लग नहीं जाता। देखिए इसमें आप देखिए कि इसमें शिंदे जब महिलाओं के पास वो रुपया पहुंच रहा था 1,500 रुपए, तो कई सर्वे करने वाली एजेंसियों के लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन दे रहा है आपको रुपया, तो वो ग्रामीण औरतें ये तो नहीं बता पाई कौन दे रहा, नहीं कोई दाढ़ी वाला आदमी जो टीका लगाए हुए उसकी तस्वीर होती है। तो वो शिंदे ने लगातार अपने आप को प्रोजेक्ट किया गरीबों के मसीहा के तौर। एक तो देखिए मराठा है, वो पहले 3-व्हीलर ऑटो चलाते थे, वो तो गरीब आदमी खुद भी रहे हैं, तो उनकी आम आदमी की छवि भी है, उनका शैली भी आम आदमी वाली है, वो फडणवीस की तरह वो इंग्लिश स्पीकिंग और संस्कृत निष्ठ मराठी स्पीकिंग नेता नहीं है, मतलब सही बात है। हाँ वो तो बहुत पढ़े लिखे और उच्च वर्गीय नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनका परिवार भी देखने में ऐसा लगता है। शिंदे तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी लगते हैं। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो जिस तरह से उन्होंने पहलकदमियां की उसमें भी पूरी तरीके से उनकी एक छवि निकल के आई है, तो वो चैलेंज करेंगे उनको और देवेंद्र फडणवीस को, और थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी करेंगे वो। ये इस बीच में क्या लग रहा है कि लॉटरी बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो लॉटरी देवेंद्र की लगेगी फडणवीस की, या फिर कोई और भी बन सकता है? देखिए पहले तो नाम कई चल रहे थे, जैसे कि एक द्राव साहब दानवे का नाम चल रहा था जो कि मराठा चेहरा है, सुना ये जा रहा था कि अश्विनी वैष्णव जो कि सारा रुपए पैसे का इंतजाम करने में लगाए गए हैं, उनको राव साहब दानवे के जरिए पार्टी में मनी जो है वो चैनलाइज कर रहे हैं चुनावी मुहिम में, ये सब बताया जा रहा था। और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में पार्टी की आर्थिक कमान नहीं है, वो राजनीतिक नेता जरूर है लेकिन आर्थिक कमान नहीं। राव साहब दानवे अमित शाह के विश्वस्त भी है माने जाते हैं बहुत, लेकिन मोटे तौर पर देखा तो ये जाता जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। राव साहब दानवे का नाम तो ऐसे ही औपचारिक रूप से कभी कोई ले दे, लेकिन मुख्य तौर पर तो देवेंद्र फडणवीस ही नेता के तौर पर देखे जाते हैं। पूरा मीडिया इस वक्त उनका प्रचार करने में लगा हुआ है, उनको महानायक बताने में पूरी तरह महानायक बताया जा रहा है इस वक्त उनको, देवेंद्र फडणवीस को, तो मुझे लगता नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके पक्ष में है, लगता है कि लॉटरी फडणवीस की लगेगी। और एक और बात है, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ट्वीट किया है उन्होंने, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, देवेंद्र फडणवीस में उसमें एक ट्वीट में यह है, एक ट्वीट में एक लाइन उन्होंने ये लिखी है, मोदी है तो मुमकिन है। ओके ओके, और दूसरी लाइन उन्होंने ये लिखी है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे वाली लाइन उन्होंने नहीं लिखी है। उधर योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो नेक है, अपने ही दोनों नारे उन्होंने लिखे हैं, मोदी द्वारा दिया गया नारा नहीं लिखा है उन्होंने, ना ये लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि यूपी में भी बता रहा हूँ आपको, यूपी में 7 सीटें जीत गए ना, वो तो योगी जीत गए, और फिर
तमाम जगह जगह घूम के प्रचार प्रचार किया है, तो उन सबका श्रेय तो लेंगे ही वो। हाँ, यूपी में उनके समर्थक जो बड़े खुश हैं, उनके आसपास के हैं, वो कह रहे हैं कि देखो योगी ने पूरा चुनाव बदल दिया, ये नारा कटोगे तो बटोगे, पूरा चुनाव सिर्फ योगी के कारण बढ़ गया। मीडिया भी बहुत, मीडिया का भी बड़ा हिस्सा इसको छाल रहा है ना, योगी की ब्रांडिंग करने में। हाँ, योगी की ब्रांडिंग करने में मीडिया का बड़ा हिस्सा लगा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक जितने भी पत्रकार हैं वो सब मोदी का विरोध नहीं करते हैं, मोदी का विरोध तो कोई नहीं करता है, लेकिन वो योगी की ब्रांडिंग करने में लग गए। अच्छा, कुछ कुछ पत्रकार तो हैं भी बढ़िया, जैसे मतलब पत्रकारों की भी सीमाएं गजब गजब हो गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो एक सुशांत हैं पत्रकार, नवभारत नवभारत के ही हैं वो, ना उन्होंने मतलब भाषा देखी है, उन्होंने लिखा है कि हिंदू जगेगा कुछ भी होगा, मतलब हिंदू भी जग सकता है, जगाने वाला चाहिए। जिन पत्रकारों का, जिस पत्रकार का आप नाम ले रहे हैं, ये तो वो है जिनको एक बार कांग्रेस ने कहा था कि इनका हम बहिष्कार करते, उस लिस्ट में इनका भी नाम था। नाम था, लाइन है, हिंदू भी जा सकता है, जगाने वाला चाहिए। मैंने भी मजे लेने के लिए इनके नीचे लिख दिया, झारखंड को देख के तो यही लगता है। एक दूसरा ट्रेंड ये है कि चैनलों में झारखंड के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है, कहीं नहीं चर्चा हो रही। हम तो दिन में कई बार कह रहे भाई झारखंड पे भी तो बात करो, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ महाराष्ट्र पे ही बात करके क्यों रह गए। हाँ, आपको याद होगा जैसे भाजपा के दफ्तर में जश्न मन रहा है, उसमें झारखंड की पराजय का जश्न भी है। हाँ, नहीं वो उन सब मुद्दों पे बात नहीं होगी। अच्छा, दो बड़े मुद्दे थे चुनाव में महाराष्ट्र के, में हम लोग फिर महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। एक था कि गुजरात बनाम महाराष्ट्र, और दूसरा था अडानी। दो बड़े मुद्दे थे जो राहुल गांधी ने लगातार उठाए, और लग रहा था कि ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा भी और अडानी वाला मुद्दा भी महाराष्ट्र में काम करेगा, क्योंकि लगातार इस पे हमले हो रहे थे। ये मुद्दा भी काम नहीं किया क्या? देखिए, मुद्दों के काम करने के लिए जरूरी होता है कि आप, आपके पक्ष में थोड़ा सा जमीन बनी हुई हो। आप अपने पक्ष में जमीन बनाने में कामयाब नहीं हुए ना, आप लोकसभा का हथकंडा इस्तेमाल करते रहे, आपको अपने हथकंडे का नवीकरण करना चाहिए था। विधान, जो चीज लोकसभा के चुनाव में चली है, विधान जरूरी नहीं कि विधानसभा के चुनाव में चलेगी। एक बार तो लोगों ने आपको सवाल पे वोट दे दिया ना, ठीक बात है। अच्छा, आपके हिसाब से महाविकास अघाड़ी से सबसे बड़ी चूक केवल यही हुई कि वो अपने आप को रीडिजाइन नहीं कर पाया, कोई और भी बड़ी? बिल्कुल, बहुत बड़ी चूक है, अपने आप को रीडिजाइन नहीं कर पाए वो, ये बहुत बड़ी चूक है। रैलियां भी कम करी बात, इसलिए आप देखिए ना कि वो उसमें क्या है कि इसमें महाविकास अघाड़ी में तीनों दल जो है ना, वो थोड़े बहुत फर्क के साथ बराबर बराबर स्थिति में है। जिस तरह टिकटों का बंटवारा उन्होंने आपस में किया, बराबर बराबर स्थिति में थी तीनों दल। जबकि वहां देखिए आप, महायुति में भाजपा ने कहा कि हम सबसे बड़े दल रहेंगे, हम 148 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपको हमारा मातहत रहना पड़ेगा। वहां भाजपा की लीडरशिप पूरी तरह से स्थापित हो रही है, मतलब यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप उस तरह स्थापित भी नहीं हो रही है। अच्छा, जो पिछले दिनों में चुनाव हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, वहां भी रीजनल पार्टी उमर अब्दुल्ला है, हेमंत सोरेन के देख लीजिए कांग्रेस सेकंड में, तो क्या ये समय आया कि कांग्रेस को थोड़ा पीछे हटके अब रीजनल पार्टी को और स्पेस देना पड़ेगा? देखिए, इसमें ये बात नहीं अभी कही जा सकती। ये अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी को रीजनल पार्टी के मुकाबले चुनाव जीतने में दिक्कत होती है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले वो आसानी से चुनाव जीत लेती है। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी को कई चुनाव हराए हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में बीजेपी को नहीं जीतने दिया, कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, ये तो बिल्कुल ताजे उदाहरण है आपके सामने। तो ऐसा नहीं है, सवाल यह है कि कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, सवाल यह है कि आपके पास, एक तो आप रणनीति अच्छी बनाइए अपनी, उसमें जरा अकल लगाइए थोड़ी, ऐसा नहीं हो और फटाफट निर्णय लीजिए, समय नहीं होता है बहुत ज्यादा। भाजपा में खूबी है, भाजपा को अगर अपने विरोधी की रणनीति अच्छी लग रही है तो भाजपा उसको थोड़ा हड़प लेती है और मेड इन भाजपा कहकर लागू कर देती है उसको। तो भाई ये हाँ, तुरंत लागू करते, उनके पास बहुत फटाफट निर्णय लेते हैं वो, इस मामले में वो ज्यादा होशियार हैं। ऐसी बात भी नहीं है कांग्रेस बहुत गरीब पार्टी हो, उसके पास संसाधन नहीं है। जिस तरह आप देखिए, भाजपा के पत्रकारों की दुनिया है, भाजपा उस पत्रकारों की दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेट करती है, बहुत अच्छे तरीके से पटा के रखती है उनको अपने साथ, उनका उनके सुख दुख का ख्याल रखती है, उनके हितों का ख्याल रखती है। कांग्रेस ही इस मामले में अहंकारी और कंजूस है, मैं साफ कहता हूं। देखो, ठीक बात है। हाँ, लोकसभा का चुनाव उसके
मैं अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में मेरे पास कांग्रेस के एक रणनीतिकार आए, उन्होंने पूछा अब हमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो हमने बताया कि जो मेरी समझ में आया उस वक्त आईएसी में बैठक हुई, मैंने बताया ये करना चाहिए। तो उन्होंने ठीक है इन बातों पर हम लोग तब विचार करेंगे जब प्रियंका जी वायनाड से चुनाव जीत जाएंगी, हम नहीं, तब तक तो जमीन आपके पैरों में तले निकल जाएगी। वही हुआ, वो आज वायनाड से चुनाव जीती, अब तक कांग्रेस दो बड़े चुनाव हार चुकी है। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने कहा था। बिल्कुल, अब मुझे वो याद आ रहा है जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो एक सुझाव ये आया कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको दिखा नहीं रही है, तो यूट्यूब चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छा गए हैं और बहुत ज्यादा सुना जाता है, तो कुछ बड़े यूट्यूबर्स को बुलाकर उनका इंटरव्यू दीजिए। तो उनकी मीडिया की टीम ने क्या, सोशल मीडिया की टीम या मीडिया की टीम ने क्या सुझाव दिया कि आइए आप हम राहुल जी के संग आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन वो इंटरव्यू की ओरिजिनल कॉपी सुनने में आया, मेरे संग संपर्क नहीं किया लेकिन सुनने में आया, कहा गया कि वो ओरिजिनल कॉपी हमको दे दीजिए, हम उसमें चेक करेंगे और पहले वो वाला इंटरव्यू एडिट करके हम पहले राहुल जी के पेज पे डालेंगे, फिर आप चलाएंगे उसको। तो कुछ नहीं, नहीं, वो लोग देखिए, इसमें एक और बात है, जब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की सीटें दूनी हो गई और बीजेपी बहुमत खो बैठी, तो कांग्रेसियों को लगने लगा कि उनका वक्त आ गया है। हाँ। और भाजपा की दुर्गत बिल्कुल तय है, अब भाजपा सिलसिलेवार चुनाव हारती चली जाएगी, हम जीतते चले जाएंगे, हमारा ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, भाजपा का गिरता जाएगा। शुरू शुरू में लगा भी कुछ ऐसा, लेकिन आपने वही देखी, मैंने कहा नहीं, जब तक प्रियंका गांधी वायनाड से जीतेंगी तब तक तो आपके पैरों से जमीन भाजपा किसका देगी, और किसका दी उसने, किसका दी, हरियाणा बिल्कुल लगी लगाई थारी निकल गई, महाराष्ट्र निकल गया, बड़ा राज्य। कांग्रेस के अंदर स्ट्रेटजिक डेफिसिट बहुत है, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया और कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, रणनीतिक टोटा है कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा। कैसे ठीक हो सकती है कांग्रेस, कैसे ठीक कर सकती है रणनीतिक टोटे? अरे भाई आप कहें मैं अपना वेट गिराना चाहता हूं, तो आप दूसरा कोई आपके बिहाफ पे कसरत करके थोड़ी ना वेट गिरा सकता है आपका। सही बात है। मैं कहूंगा भाई मैं स्लिम होना चाहता हूं, तो मैं किसी नौकर को रख लूंगा, तुम मेरे लिए मेरे बिहाफ पे एक्सरसाइज करो, डाइटिंग तुम करोगे कसरत तुम करोगे, तो वेट हमारा थोड़ी ना गिराएगा, उसी का गिर जाएगा वेट, ये तो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा अपना। हाँ, खुद ही प्लान करना पड़ेगा, खुद ही कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। मैं देखता हूँ जो बीजेपी समर्थक पत्रकार होते हैं, बीजेपी के छोटे नेता से बड़े नेता उनको फोन करते हैं कि आप वहां जाएंगे, कवरेज करेंगे, रहने की व्यवस्था करा देंगे। आप बस सुनिए, मैं बीजेपी की आलोचना करता हूँ, सब लोग जानते हैं, हर बीजेपी वाला भी जानता है, अगर कहीं एक फंक्शन में कांग्रेसी नेता मिल जाए और बीजेपी के नेता मिल जाए, और तो बीजेपी के नेता ज्यादा गर्मजोशी से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक है। कांग्रेसी नेता तो मुंह सुझाए हुए कुर्सी पर बैठा हुआ, उठ ही नहीं रहा है, हाथ भी नहीं मिला रहा ठीक से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयरपोर्ट पे, अगर एयरपोर्ट पे कांग्रेस, अभी एक एयरपोर्ट पे मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अभी मैं जब लखनऊ जा रहा था तो एयरपोर्ट पे मुझे कांग्रेसी नेता पड़ गए, बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के नेता है, कभी आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा। तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगे, मैं उठ के गया, मैं उनसे हाथ मिलाया, वो मुंबई से आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या हाल है मुंबई का, तो कुछ उन्होंने बुदबुदाते हुए कुछ बातें कही जो मैंने सुनने में मुझे दिक्कत हुई, फिर वो मतलब मुझे लगा नहीं कि इनको बहुत मुझसे बात करने में दिलचस्पी है। ठीक है भाई, हम कोई पैसे मांगने तो गए नहीं थे उनके पास, ठीक बात है। और ये हाल मतलब है मीडिया का, सोशल मीडिया का, कोई संपर्क नहीं करेगा, अभी कोई बात नहीं करेगा किसी ने कहो तो, मतलब ये सब चीजें कांग्रेस को खैर देखनी पड़ेगी, लेकिन उनका मन है वो देखें नहीं देखें। इस चुनाव का, महाराष्ट्र के चुनाव का, खासतौर से दिल्ली के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, दिल्ली का चुनाव अलग बिल्कुल चुनाव है, किसी देखिए महाराष्ट्र का चुनाव, मैंने कहा ना महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग परिणाम आए बिल्कुल एकदम, भाजपा वहां कामयाब है, यहाँ फ्लॉप है, इसलिए दिल्ली का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है, भारत में कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूँ भाजपा कितने भी विधानसभा चुनाव जीत जाए, वो लोकसभा चुनाव में अपने खिलाफ एंटी इनकमबेंसी नहीं रोक सकती। सही बात है, लोकसभा में तो अलग होगी भाई, इस पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 3 शानदार चुनाव जीते थे ना भाजपा ने, कांग्रेस से दो बड़ी स्टेट छीन ली थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, देखो लोकसभा चुनाव में भाजपा की हुलिया खराब हो गई। हाँ ठीक बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने इतिहास रच गया और आ गई वो पार्लियामेंट में, अब क्या सीन होगा, पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है भाई, प्रियंका गांधी अच्छी वक्ता है, वो पार्लियामेंट में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, तथ्यों और आंकड़ों के साथ में उनके पास हाजिर जवाबी है, तो इस सब के जरिए अच्छी हिंदी बोलती हैं, प्रभावशाली वक्ता हैं, तो वो एक अच्छी सांसद के रूप में विकसित हो सकती हैं, लेकिन मैं प्रियंका गांधी से बहुत अच्छे रणनीतिकार बनने की उम्मीद नहीं करता, उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी
प्रमाण नहीं दिया है, इससे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी रणनीतिकार हैं, वो कांग्रेस की अमित शाह नहीं बन सकती। कांग्रेस को एक अमित शाह की जरूरत है। आप अगर बन सकते हो अमित शाह तो बन जाइए कांग्रेस के अमित शाह। मैं ही कह रहा हूं कि हाँ, प्रियंका गांधी कांग्रेस की अमित, कांग्रेस को दरअसल अमित शाह की जरूरत है। एक अमित शाह कांग्रेस को मिल जाए ना तो वो सब ठीक हो जाएगा कांग्रेस का। मिल कैसे जाए फिर, वही बात, एक्सरसाइज तो खुद ही करनी पड़ेगी। कर्नाटक में बीजेपी कितनी ताकतवर है, सारे उपचुनाव जीत लिए कांग्रेस ने वहां पर। वो आदमी है, अब ममता बनर्जी खुद अपनी अमित शाह है, वो जीत गई सब चुनाव। हम तो यानी सब कुछ कांग्रेस को बिल्कुल, बीजेपी को बिल्कुल साफ कर दिया वहां पर पश्चिम बंगाल में। सब जीत के तारीफ सुना हूं। अच्छा एक आखिरी सवाल, मैं फिर आखिरी सवाल पे आ जाता हूं, बार-बार आखिरी सवाल कहता हूं। पूरे चुनाव में आपने स्मृति ईरानी को कहीं देखा? मैंने नहीं देखा। नहीं, कुछ कुछ प्रकट हुई थी स्मृति ईरानी, लेकिन वो शायद दिल्ली में प्रकट हुई थी या यूपी में कहीं प्रकट हुई थी, लेकिन चुनाव में कहीं नहीं दिखाई पड़ी। वो भी गायब हो गई, वरना तो हर चुनाव में छाई रहती थी। नहीं, वो तो देखिए, ये सब हर आदमी की गोट पिट जाती है एक बार। राजनीति में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब की दुनिया, सब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अगर आप उस बदलती हुई दुनिया के साथ आप नहीं रहेंगे तो आपकी गोट पिट जाएगी, आप बैठे रह जाएंगे, ठंडन गोपाल हो जाएंगे। सही बात है। दुनिया में कल मैंने आपको डाटा भेजा ही था आपके शो का, देखा आपने इतना दुनिया के किन किन देशों में देखा जा रहा था वो। मैं भी जब निकला, सब चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, कभी सिर भी चकरा जाता है कि हम इस बदलाव के साथ अपने आप को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। लेकिन कोशिश सबको करते रहना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान हैं, तत्पर हैं, आपका दिमाग तेज है और आप मेहनत करना जानते हैं तो आप रह सकते हैं इस दौड़ में। बहुत शुक्रिया अभय जी, आप इतना मेहनत करके आए फिर मैं आपसे बैठ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये अभय दुबे जी, पूरी बातचीत सुनी, मुझे यकीन है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।